देखो, इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? अकबर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आज हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट अर्थात अकबर के विजय के बारे में। अकबर बिगेन बाय एक्सटेंडिंग हिज कंट्रोल टूवर्ड्स मालवा, नर्मदा वैली एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंबोर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। इसका मतलब यह है कि अकबर ने क्या किया कि धीरे धीरे करते 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 नर्मदा जो वैली है, ठीक है, नर्मदा जो घाटी है और जो आपका उत्तरी जो क्षेत्र है भारत का, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंबोर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, इस पर, इन सब पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है, अर्थात इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके बाद में 1572 में अकबर ने अहमदाबाद और सूरत, ठीक है, इसको भी अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और जैसे ही इस पर अपना विजय प्राप्त किया इन दोनों क्षेत्रों पर, इसने वहाँ के जो व्यापार है, ठीक है, उस पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। द डिफीट ऑफ द अफगान रूलर दाऊद खान इन 1576 इन द बैटल ऑफ राजमहल ब्रॉड बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स एम्पायर। फिर इसके बाद में 1576 में जो अकबर है उसने दाऊद खान को राज महल जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसने बंगाल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, अर्थात 1576 में बंगाल पर भी अकबर ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद में जो दक्कन जो क्षेत्र है, जैसे अहमदनगर, खानदेश, ठीक है, बरार, इसको भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। कब किया? 1600 से 1601 में। तो इस तरह से अकबर ने धीरे 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 करते करते अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है। अब हम इसे ठीक ढंग से समझेंगे कि अकबर ने कब कहाँ पर अपने राज्य का। गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे अकबर के बारे में कि अकबर ने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अकबर जो था उसने 1556 से लेकर 1605 तक राज्य किया, ठीक है, और अपने शासन काल में इसने निम्न प्रकार की जो विजय है वो प्राप्त की और इस विजय को तीन अवधि में बांटा गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अकबर जो है वो 13 वर्ष की अल्प आयु में क्या बना था? सम्राट बना था, ठीक है। तो उसके शासन काल में उसकी जो तीन उपलब्धियां थी, ठीक है, उसको तीन अवधि में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है 1556 और 1570। तो 1556 और 1570 के मध्य जो उसका संरक्षक था, ठीक है, बैरम खान, ठीक है, और उसके जो कर्मचारी थे, ठीक है, वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और अकबर जो था उसने सूरी और जो अन्य अफगान थे और जो मालवा और गोडवाना, ठीक है, और अपने जो सौतेला भाई जो था उसका, मिर्जा हाकिम,
इसके विद्रोह को दबाने के लिए उसने सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, तो 1556 से लेकर 1570 के मध्य में उसने क्या चलाया, सैन्य अभियान। ठीक है, किसके खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ, सूरी के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ, मालवा और जो गोडवाना के जो राजा थे उनके खिलाफ, और अपने सोतेला जो भाई था उसका हाकिम, उसके विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपना सैन्य अभियान चलाया था। फिर 1568 में जो अकबर था इसने किसको कैप्चर्ड किया, चित्तौड़ को। तो चित्तौड़ जो थी वो किसकी राजधानी थी, सिसोदिया की। तो सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया 1568 में। और 1569 में अकबर ने रणथंबोर पर कब्जा किया। फिर इसके बाद में जो सेकंड उसका मिलिट्री ऑपरेशन था वो था 1570 से 1585 के मध्य। तो 1570 से 1585 के मध्य उसने गुजरात के खिलाफ अपना सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, तो अगेंस्ट गुजरात क्या चलाया, मिलिट्री ऑपरेशन। ठीक है, और 1585 से 1605 के मध्य में, तो 1585 से 1605 के मध्य में अकबर ने अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, उसने कंधार को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, और साथ ही साथ में कश्मीर को भी इसमें मिला लिया। ठीक है, फिर मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद में उसने काबुल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसको मिला लिया, काबुल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और फिर जो डेक्कन है जिसे हम बोलते हैं दक्कन, तो दक्कन में उसने बरार, खानदेश, अहमदनगर, ठीक है, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से इसके जो विजय हैं, जो इसने विजय प्राप्त की, उसे हमने तीन भागों में बांट दिया, 1556 से 1570, 1570 से 1585 और 1585 से 1605 के मध्य। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि जो अकबर का पुत्र था सलीम, ठीक है, तो अकबर जो था, अकबर का पुत्र जो सलीम था उसने क्या किया था, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जब सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तो इसकी जो राजसत्ता है वो थोड़ी सी क्या हो गई थी, डगमगा गई थी। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु हो गई, और अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जो है वो क्या हो गया, सम्राट बन गया, और यही सलीम आगे चल के जहांगीर कहलाया। ठीक है, तो सलीम क्या कहलाया, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप विद द राजपूत्स, कि जो अकबर का जो रिलेशन था वो राजपूत के साथ वो कैसा था। ठीक है, तो अभी हम अकबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि अकबर का जो रिलेशन था वो राजपूतों के साथ कैसा था। अकबर वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी, शिवलरी एंड करेज ऑफ द राजपूत्स। इसका मतलब क्या है कि जो अकबर था वो राजपूतों की बहादुरी, ठीक है, उनके शिष्टाचार, उनके साहस आदि से क्या था, काफ़ी प्रभावित था। ही रियलाइज्ड दैट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत वॉज नेसेसरी टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। उसको ये पता था कि राजपूत जो हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट से ही, अर्थात उनकी सहायता से ही वो क्या कर सकता है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और अपने साम्राज्य को वो ठीक ढंग से चला सकता है, अर्थात संगठित कर सकता है। हिज रिलेशन
विथ मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग्स वर फ्रेंडली एंड कॉर्डियल। इसका मतलब कि अधिकांश जो राजपूत जो राजा थे उसके साथ अकबर का जो संबंध था वो काफ़ी मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण था। ही रिस्पेक्टेड देम एंड ट्रीटेड देम एज इक्वल दस विनिंग देयर लॉयल्टी। अर्थात कि जो अकबर है वो उन सब का समान आदर और सम्मान करता था, जबकि उसने इन पर क्या कर रखा था, अधिकार स्थापित कर रखा था, परंतु फिर भी वो सबको क्या देता था, इज्जत और सम्मान देता था। ही स्ट्रेथेंड हिज रिलेशनशिप विद द राजपूत्स थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसका मतलब क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब वैवाहिक गठबंधन। तो अकबर जो था उसने क्या किया, राजपूत जो थे उनके साथ में वैवाहिक गठबंधन किया। अर्थात कि जो अकबर है उसने भारमल की जो लड़की है, और जो भारमल था वो आमेर का क्या था, राजा था, ठीक है। तो उसने उसकी भारमल की जो डॉटर है, जो लड़की है, उससे शादी करी थी। किसने, अकबर ने, ठीक है। तो इस तरह से जब अकबर ने राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए या वैवाहिक गठबंधन किया, तो इसका जो रिलेशनशिप है राजपूतों के साथ वो काफ़ी क्या हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है। आफ्टर मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भारमल द रूलर ऑफ आमेर, भारमल वॉज मेड अ नोबल ऑफ हाई रैंक एंड हिज सन भगवत दास एंड ग्रैंड सन मानसिंह आल्सो अटेंड हाई रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जब भारमल की डॉटर जो थी, लड़की थी, और भारमल कौन था, वो आमेर का राजा था, तो आमेर के राजा की लड़की के साथ जब अकबर का विवाह हुआ तो क्या हुआ कि भारमल को क्या, भारमल और उसका जो सन था जिसका नाम क्या था, भगवत दास, और उसका जो ग्रैंड सन था मानसिंह, इन सबको उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसमें इन्हें क्या मिली, हाई रैंक मिली थी, ठीक है। अकबर आल्सो मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेस। तो अकबर ने अन्य राजपूत की जो राजपूत जो राजकुमारियाँ थीं उनसे क्या किया, विवाह किया। ही ट्रीटेड दियर रिलेटिव्स विथ रिस्पेक्ट एंड गेव द राजपूत प्रिंसेस हाई पोजिशन इन द नोबिलिटी, ठीक है। और जितने भी उसके जो सगे संबंधित हैं, ठीक है, उनका वो क्या करता था, आदर सम्मान करता था, और जो राजकुमारियाँ थीं उनको क्या किया, उसने क्या किया, हाई पोजिशन दिया, ठीक है। अर्थात उसने अपने जो उसका राज्य था, जो उसका शासन था, जो उसका साम्राज्य था, उसमें उनको काफ़ी मान सम्मान दिया। अकबर डिड नॉट एनेक्स द किंगडम्स ऑफ दोज राजपूत रूलर्स हु एक्सेप्टेड हिम एज देयर ओवरलॉर्ड एंड पेड हिम रेगुलर ट्रिब्यूट्स। इसका मतलब कि अकबर कभी भी ऐसे राजाओं के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता था, ठीक है, जो उसकी बात को मानते थे, ठीक है, और साथ ही साथ में उसे क्या करते थे, टैक्स देते रहते थे, ठीक है। तो जो राजा उसकी बात मानते थे तो वो उस पर कभी भी हमला नहीं करता था, ठीक है, परंतु जो उसकी बात को नहीं मानता था, जो उससे फ्रेंडशिप नहीं रखता था, रिलेशन दोस्ती नहीं रखता करता करना चाहता था, वो उस पर क्या करता था, आक्रमण करता था, ठीक है। बात समझ में आई कि जो भी राजपूत जो राजा थे उसकी, अकबर की जो बात नहीं मानता था, उसकी फ्रेंडशिप को ठुकरा देता था, तो वो क्या करता था, उसके उस पर आक्रमण करता था और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता था।
ठीक है, जैसा कि रणथंबोर और जोधपुर। तो रणथंबोर और जो जोधपुर के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने इसकी जो दोस्ती थी, जो उसकी फ्रेंडशिप थी, उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। तो अकबर ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, रणथंबोर और जोधपुर को। इसी तरह से मेवाड़ का राजा था प्रताप सिंह, और प्रताप जो सिंह थे, राणा प्रताप सिंह, वो किसके पुत्र थे, उदय सिंह के। ठीक है, तो उदय सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, ठीक है, इसने भी क्या किया था कि अकबर की अधीनता को क्या किया, अस्वीकार किया। तब क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1556 में। तो 1556 में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो राणा प्रताप सिंह और अकबर के मध्य हुआ। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर दोनों का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप क्या हो गए, हार गए। तब क्या हुआ कि महाराणा प्रताप जो थे, उन्हें जंगलों में जाना, जंगलों में जाकर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उन्होंने जंगलों में जाकर क्या की, शरण ली, और तब तक वो उनसे युद्ध लड़ते रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 1597 में। तो 1597 तक इन्होंने क्या किया, उसके साथ युद्ध किया, किसके साथ, अकबर के साथ में, परंतु कभी भी अकबर की अधीनता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ठीक है, फिर बात आती है अकबर रिलीजियस पॉलिसी। देखो यहाँ पे अकबर रिलीजियस जो पॉलिसीज है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है हमारा दीन अ इलाही। क्या, दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो है वो 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया था। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 अर्थात 1582 ईस्वी में चलाया गया, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। ठीक है, इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म थे। बात समझ में आया। तो दीन ए इलाही क्या था, क्या था, सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें डाला गया, जिसमें किसकी प्रमुखता थी, हिंदू और इस्लाम धर्म की। फिर दूसरी बात आती है सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल क्या था, देखो इसमें क्या किया, अकबर ने यह महसूस किया कि सभी जो धर्म हैं उनके उद्देश्य क्या है, एक ही है, जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के उद्देश्य एक ही हैं। अतः उसने क्या किया, सर्वधर्म समन्वय अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। पासवन में तो सुलह अ कुल, इसमें सभी धर्मों के जो अच्छी बात थी उन बातों को उन्होंने क्या किया, पकड़ा, और इसी को सुलह कुल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अकबर के रिलेशनशिप और इसकी जो रिलीजियस जो पॉलिसी है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे जहांगीर।